Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. Hello students, this is Ritu Sharma और हम लोग यहाँ पे revise कर रहे थे अपना chapter 12 class 10th का और हम अपने exam की preparation कर रहे थे यहाँ पे. तो कुछ questions को हम discuss कर चुके हैं chapter 12 के और कुछ questions को या एक question को हम आज की class में discuss करेंगे. ज़्यादा बड़ा session नहीं होगा. तो देखते हैं आज का जो question है. और भाई please अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको लग रही है आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तो देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन. ये क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम. ये जो फिगर दी हुई है एबीसीडी में, ये क्या है, समलंब है. ट्रेपेजियम क्या है, समलंब है एबीसीडी एक विद ए बी पैरेलल डीसी. इसकी जो ए बी वाली साइड है ये डीसी के पैरेलल है. आगे बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. ये कितना सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर. एंड आगे ये क्या बोल रहा है, डीसी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. ये क्या है आपका, 32 सेंटीमीटर. आगे इसने हमसे बोला एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डीसी, जो डिस्टेंस होती है दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रेपेजियम की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम की हाइट पता चल गई कितनी है, 14 सेंटीमीटर. आगे इसने हमसे बोला कि सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब कुछ सर्कल्स बनाए इसने कहाँ पर, विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी. ए बी सी और डी को सेंटर मान के इसने इक्वल रेडियस, इक्वल त्रिज्या जो ली है, बराबर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के, चार कुछ क्या की है, सर्कल्स बनाने की कोशिश की है, एक आर्क लगाई है यहाँ पे इन्होंने. ओके आगे ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अभी पूरा सर्कल नहीं बनाया इसने, सिर्फ क्या बनाया है, सेक्टर टाइप कुछ बना के छोड़ दिया. और ये हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. यहाँ पे हमारे पास ये सेक्टर्स की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर. अब देखो भाई इतना तो क्लियर है, सिंपल सामने दिख रहा है कि अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया में से ये चारों सेक्टर का एरिया जो कि क्या है, इक्वल है सबके एरिया, इन चारों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है, तो इतना करते हैं. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब का क्षेत्रफल माइनस. यहाँ पे देखो इसने ये बोला कि जो आपके रेडियस है ना ये चारों सेक्टर्स की, ये क्या है, इक्वल है. लेकिन हमें ये नहीं पता यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है या थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है. अब देखो यहाँ पे वो कहीं पे भी क्या है, वो इक्वल नहीं है. ऐसा नहीं बोला इसने कि ये जो चारों एंगल है ट्रेपेजियम के वो इक्वल है, और ऐसा होता भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसने हमसे बोला कि ये जो थीटा बन रहा है आपका, ये हमने इस क्वेश्चन में नहीं की मैंने. और अगर ये मैंने बोल दिया होगा चारों का एरिया इक्वल है तो ऐसा नहीं होगा, वो गलती से मैंने बोल दिया होगा. यहाँ पे चारों का एरिया क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा नहीं पता. लेकिन हमें क्या करना है, ये चारों का एरिया माइनस करना है. अब इसको कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी, मतलब जो बी वर्ड ए वर्ड से बना है इसका एरिया, ये बी वाले का एरिया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर डी. अब सेक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड. तो त्रिज्याखंड ए का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड बी का क्षेत्रफल, सी का और डी का क्षेत्रफल, हमें चारों को क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से माइनस करना है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी समांतर भुजाओं का योग इनटू एच, जो भी हाइट है आपके ट्रेपेजियम की वो, माइनस देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा तो हमें यहाँ पे नहीं पता, अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास, ए है. तो इस थीटा की जगह हम लिख देते हैं एंगल ए अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये सेक्टर बी में हम एंगल बी लिख देंगे एंड अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एंगल सी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एंगल डी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. अब देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड हमें पता है 18 है एंड 32 है. तो 18 प्लस 32 इंटू हाइट क्या थी हमारे पास, 14 थी ट्रेपेजियम की हाइट माइनस. अब यहाँ पे एक चीज देखो,
अगर हम यहाँ से देखें 360 आपका सब में आ रहा है, 1/360 एंड पाई आर स्क्वायर आपका चारों में आ रहा है, तो क्या हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 विद माइनस, माइनस भी सब में है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अंदर क्या बच गया हमारे पास, देखो ये माइनस तो बाहर आ गया एंगल ए, ये माइनस बाहर आ गया तो क्या हो गया, ये प्लस एंगल बी, बाकी सब हमने कॉमन ले लिया, प्लस सिमिलरली यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा अंदर बच गया, ये यहाँ पे आया आपका, ये 2 से कैंसिल हुआ 7, और 18 और 40 कितना, 32 कितना होगा, ये हो गया 40 एंड 15 इंटू 7 माइनस पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू एक और बार 7 आ जाएगा, और अपॉन में क्या था हमारे पास यहाँ 360 इंटू, अब ये देखो ये ट्रेपेजियम है और इसके ये चारों एंगल हैं, अब ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है ना, एक चतुर्भुज है और एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब हमें ये इंडिविजुअली तो नहीं पता ये एंगल कितने होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि ये चारों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे 360 बनाएंगे, तो इंटू में 360 और 360 से 360 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 5 7 35, ये आ गया आपका 350 क्योंकि ये जीरो था, माइनस 22 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 154, और 350 में से जब हम 154 को माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, क्योंकि सब कुछ हमें सेंटीमीटर में किया था तो हमारा एरिया क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहने का मतलब ये था कभी भी कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसके वर्टिसेस को लेके ये सेक्टर्स बना दे रहा है और हमें वहाँ पे एंगल्स नहीं पता, तो सिमिलरली आपको इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन करना है, अगर यहाँ ट्राइंगल होता है ट्रेपेजियम की जगह तो हम ऐसे ही करते उसके सारे एंगल्स को कॉमन, बाद में यहाँ से कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा बचता है वहाँ पे ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं इसके एंगल का सम कितना था 360 डिग्री। तो ये बहुत क्वेश्चन ईजी होता है, बस देखने में लगता है तो उसे सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू।